जो मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, उनको लगता है कि लड़की को लड़की जैसा रहना चाहिए, आपकी तरह टी शर्ट नहीं पहननी चाहिए, जीन्स नहीं पहनना चाहिए, घर के अंदर रहें। तो देवी नहीं चाहते, देवी बना के तो आप गला काट देते हैं। देवी तो हमें बनना नहीं है, हम तो इंसान बनना चाहते हैं। तो आप हमें क्या सम्मान देंगे? आप कम से कम तमीज की निगाह करिए। बृजभूषण शरण सिंह जैसे यौन आरोपी को संसद से बाहर निकालिए कि हाँ, बृजभूषण शरण सिंह जब सांसद है, जो यौन आरोपी है, वो बाहर निकलता है तो मीडिया उसके पीछे दौड़ता है, लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वो बच्ची को कपड़ा उड़ाने के लिए महाकाल की नगरी में कोई नहीं आता। महिला आरक्षण की बात उनको मजबूरी में करनी पड़ी, लेकिन महिला आरक्षण दिया नहीं, झुंझुना पकड़ा दिया 10 साल 15 साल। उनको पता था कि 2024 का चुनाव निकालने के लिए उनको महिला वोट की जरूरत है, इसीलिए उन्होंने स्पेशल सेशन बुलाकर किया, लेकिन हिम्मत तब होती जब वो उसी समय पारित होता। 370 हटानी थी, आप कश्मीर से पूछने गए थे, आपने तो हटा दिया ना, तो फिर महिलाओं को अधिकार देने में ये सब ड्रामा क्यों? तो मुझे लग रहा है वो एक ड्रामा है। मणिपुर में महिलाओं को नग्न परेड की जाती है, तब स्मृति ईरानी का शब्द नहीं निकलते हैं। उज्जैन में तो बोल सकती थी, उज्जैन में बच्ची के साथ हुआ, क्यों नहीं बोली, क्यों नहीं गई मिलने के लिए? और अपने शरीर पर हमें अपना हक चाहिए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। लगातार जो है महिलाओं का शोषण, अत्याचार, घर से निकलने पर रोक और तमाम चीजें हैं, और इसके लिए एक लड़ाई लड़ी जाती है। तमाम जो महिलाएं हैं वो उन महिलाओं के लिए जो घर में कैद हैं उनके लिए लड़ाई लड़ती हैं, बाहर आती हैं, आंदोलन करती हैं और तमाम चीज़ें करती हैं। इन्हीं में से एक हैं भाषा मैम, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगी, अब तक जो है लड़ाई लड़ी ही जा रही है महिलाओं की, कितना कुछ हो पाया है? देखिए, महिलाएं लड़के यहाँ तक पहुँची हैं, इसीलिए मोदी जी को भी इतना डर है महिला शक्ति से। महिला आरक्षण की बात उनको मजबूरी में करनी पड़ी, लेकिन महिला आरक्षण दिया नहीं, झुंझुना पकड़ा दिया 10 साल 15 साल। उनको पता था कि 2024 का चुनाव निकालने के लिए उनको महिला वोट की ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने स्पेशल सेशन बुलाकर किया, लेकिन हिम्मत तब होती जब वो उसी समय पारित होता और हमें तुरंत लाभ मिलता। और वहीं दूसरी तरफ आप जैसे एक हैं, नौजवान लड़की हैं, आप घर से बाहर निकली हैं, अपनी मर्जी का काम कर रही हैं, ये भी लोगों को पसंद नहीं आता। और ख़ास तौर से जो मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, उनको लगता है कि लड़की को लड़की जैसा रहना चाहिए, आपकी तरह टी शर्ट नहीं पहननी चाहिए, जीन्स नहीं पहनना चाहिए, घर के अंदर रहें। तो समाज को पीछे घुमाने की बहुत कोशिश है, अतरंगी लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे। तो इसलिए वो तमाम कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को वापस पिंजड़े में कैद कर दिया जाए, घर की चार दीवारी में रहें। और बार बार बोला जा रहा है कि सनातन बहुत अच्छा, वैदिक बहुत अच्छा, महिलाएं देवी हैं, हम तुम्हें देवी बनाकर पूज रहे हैं। नहीं, हम तो देवी नहीं चाहते, देवी बना के तो आप गला काट देते हैं। देवी तो हमें बनना नहीं है, हम तो इंसान बनना चाहते, क्योंकि देवी की भी तो 9 दिन अभी नवरात्र आने वाले हैं, 9 दिन पूजा करेंगे, उसके बाद टाटा बाय बाय कह देंगे। हम तो इंसान है ना, हम तो आपसे चाहते हैं कि आप इंसान के तौर पे सोचिए। तो नारी शक्ति वंदन वाला जो पूरा बिल है वो अपने आप में बता रहा है कि आप उसको पूजा करना चाहते हैं। औरतें पूजा नहीं चाहती, बराबरी चाहती हैं, हक चाहती हैं। कहते हैं सम्मान दे रहे हैं, महिलाएं सम्मान के अधिकार होते हैं। हमें बराबरी चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, सम्मान तो हम हासिल ही करेंगे, हमने आपको पैदा किया है, दुनिया औरतों की कोख से ही पैदा हुई है ना। तो आप हमें क्या सम्मान देंगे? आप कम से कम तमीज़ की निगाह करिए। बृजभूषण शरण सिंह जैसे यौन आरोपी को संसद से बाहर निकालिए। योगी जी तमाम महिलाओं के बारे में बात करते हैं, त्रिपाठी को बाहर निकाल दिया जिसके ऊपर हत्या का आरोप है। तो ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, हाथरस की बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला, दिल्ली में गुड़िया होती है उसको न्याय नहीं मिला, मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकाल की नगरी है, वहाँ पर एक बच्ची 12-13 साल की बच्ची अर्धनग्न अवस्था में, खून रिसता हुआ, पूरे शहर में घूम रही थी, किलोमीटर तक घूमती रही। तो आप सोचिए कि किस तरह का समाज आपने रच दिया है कि हाँ, बृजभूषण शरण सिंह जब सांसद है, जो यौन आरोपी है, वो बाहर निकलता है तो मीडिया उसके पीछे दौड़ता है, लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वो बच्ची को कपड़ा उड़ाने के लिए महाकाल की नगरी में कोई नहीं आता। तो ये एक पता चलता है कि किस तरह का समाज है। तो इसलिए महिला सम्मेलन, महिलाओं का एकजुट होना और ये बताना कि हम अपने अधिकार नहीं छोड़ेंगे, हमें शक्ति नहीं चाहिए, शक्ति हम में है, वंदना नहीं चाहिए, हमें बराबरी चाहिए, और अपने शरीर पर हमें अपना हक चाहिए। आप नहीं डिसाइड करेंगे कि मैं क्या पहनूँ, मैं किससे प्रेम करूँ, मैं किसके साथ जाऊँ, मैं खुद डिसाइड करूँ। ये नारी शक्ति वंदन जो बिल आया, तमाम जोरों शोरों से इसको पास करा दिया गया, लेकिन
इसको लागू नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत ही बैकग्राउंड तैयार किया गया, क्या हो सकता है? इसके पीछे मनुवादी सोच है, इसके पीछे है कि औरतों को आप इस्तेमाल कर रही है वोट बैंक के तौर पे, लेकिन अधिकार नहीं दीजिए। हमारा कहना था कि जितनी अभी सीटें हैं उन्हीं में से 33% औरतों को दीजिए आप, तब ना आदमियों को पता चलेगा कि औरतों के हक क्या होता है। आप कहें कि हम सेंसस कराएंगे, किसी और चीज़ के लिए सेंसस नहीं कराया आपने, 370 हटानी थी, आप कश्मीर से पूछने गए थे, आपने तो हटा दिया ना, तो फिर महिलाओं को अधिकार देने में ये सब ड्रामा क्यों? तो मुझे लग रहा है वो एक ड्रामा है और उनको लग रहा है कि महिलाओं के बिल पर तमाम बात की गई थी, ओबीसी के लिए आरक्षित करने के लिए भी कही गई थी, लेकिन इस पर अलग ही मुद्दा दे दिया कि हमने अपनी पार्टी में आरक्षित कर रखी हैं सीटें। देखिए महिलाओं को क्या आरक्षित कर रखा है उन्होंने, उनकी महिलाएं मणिपुर में महिलाओं को नग्न परेड की जाती है तब स्मृति ईरानी का शब्द नहीं निकलते हैं, उज्जैन में बच्ची को नंगा करते हैं कि राहुल गांधी जाके भड़का देते हैं, उनकी बीट तो राहुल गांधी है, उनकी बीट तो महिला नहीं है, तो दोनों चीज़ें साफ दिखाई दे रही है ना कि भाई उज्जैन में तो बोल सकती थी, उज्जैन में बच्ची के साथ हुआ क्यों नहीं बोली, क्यों नहीं गई मिलने के लिए? तो सवाल तो उनका साफ है कि किस तरह की महिलाओं को लोग सामने लाए हैं। हमारा साफ मानना है कि महिलाएं हक चाहती हैं, हक लेके रहेंगी, और इसीलिए यहाँ तमाम देश की 20 राज्यों से औरतें आई हुई हैं। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि बीजेपी हमारी एक ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं के लिए 30% सीटें जो हैं आरक्षित रखी हैं, ऐसा कभी किसी ने नहीं किया है, हमारी पार्टी जो है आखिरी पार्टी है जिसने महिलाओं को सीट दे रखा है। देखिए महिलाओं को सीट क्या दे रखी है वो मैंने आपको उदाहरण बता दिया, उनकी एक महिला नेता बताइए जो उसने मणिपुर की महिलाओं पर बोला हो, हाथरस पर बोला हो, दिल्ली में केस होता है, दिल्ली में गुड़िया के साथ रेप होता है उस पर बोला हो, तो सवाल हमें डमी कैंडिडेट नहीं चाहिए, यहाँ की औरतों से पूछ लीजिए, सारी औरतें आई, ये हैं महिला नेता, ये लोग हैं जो महिलाओं के लिए लड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि ज़रूरी ये है कि जो मनुस्मृति के साथ आप चलेंगे तो आप जहरीली औरतों को सामने लाएंगे, चाहे वो नूपुर शर्मा हो, चाहे काजल हिंदुस्तानी हो, वो असली सवालों पर काम करने वाली नहीं होंगी। शुक्रिया, थैंक यू। तो आपने सुना किस तरीके से जो है महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार शोषण और जो हक अधिकार दिलाने की बात की जाती है उस पर आपने सच्चाई सुनी कि एक पुरुष आता है। जी जी, उन्होंने कहा कि महिलाएं घर से नहीं निकलें, वो चाहते हैं कि महिलाएं निकलें। हाँ, कौन चाहता है कि महिलाएं निकलें? बीजेपी। हाँ, लेकिन कलश यात्रा लेके निकलें, वो टीका चंदन के लिए बराबरी करते हैं कि तुम भी टीका चंदन लगा ली, जैसे अभी शिवरात्रि के समय में। हाँ, वो महिलाओं को भी महिलाएं खुश। हाँ, कि हाँ भाई हमको बराबरी, लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो मतलब पीछे वो चाहते हैं कि आप कलश यात्रा लेकर निकले, पूजा पाठ करने निकले, अभी अपना जो है एम्प्लॉयमेंट में काम करने ना निकले, या बने समाज में बराबरी के लिए आप नहीं बोले। अभी मैंने एक फोटो कहीं देखा, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, ये पहली बार मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि कहीं कोई पता नहीं क्या कार्यक्रम था, वो मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन हमारी वित्त मंत्री माथे पर कलश लेके जा रही हैं और बाद बाकी और सारे नेता हैं, तो कलश उठाने का काम महिलाएं करेंगी। वो दिखा रहे हैं, कल्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। कल्चर तो फिर मर्द लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वो कल्चर सिर्फ औरतों के लिए है, कलश लेके चलना या क्या करते हैं पूजा पाठ करना या जल वाला जो लेके चलना, क्या वो महिलाओं के लिए ही है? कल्चर तो अगर पूजा करना तो कल्चर सबके लिए है, लेकिन जितने भी उनसे उनके ही पार्टी के नेता थे, महिलाएं देवी मानी जाती है ना, इसलिए कलश यात्रा उनकी होती है, कलश लेकर उनके तो उनकी तो और पूजा होनी चाहिए ना, तो फिर उनको माथा पर बोझ क्यों दे रहे हैं? आप उठा के लेके चलिए कि वो देवी है, वो सुख संपत्ति धन संपदा लेके चलती है। ठीक है, धन संपदा लेके चल रही है, मैंने बैग लिया है तो मेरे साथ साथ अगर मैं देवी हूँ तो मुझे तो काम नहीं मिलना चाहिए ना, वो कलश तो दूसरे को लेके चलना चाहिए कि भाई ये कलश का पानी हम लेके चलेंगे देवी को चढ़ाने के लिए, लेकिन काम तुम सब करो, घर में रहो। और नया नया नारा आ ही रहा है। क्या नारा है? घर में रहना चाहिए, औरत घर से बाहर निकल जाती है तो घर भी बिखर जाता है, हमारे यहाँ परंपरा से होता रहा है, महिलाएं घर संभाल। कौन दे रहे हैं नारा? लोग, आम लोगों में ये चीज़ फैल गया है, फैल गया बीजेपी के कारण। हाँ, बीजेपी का जो पूरा नेटवर्क है, जो पूरा मीडिया है, मीडिया के द्वारा खासकर इसको मैं कहूँगी, मैं तो हाँ मैं तो
दे अब तो देखना ही बंद कर दिया इस तरह से, वो क्या कहते हैं मुर्गा लड़ाई जो पहले होता था उस तरह से मुर्गा लड़ाई होता है, इसलिए डिबेट कराते हैं, वो डिबेट सवाल डिबेट नहीं है, उसको मुर्गा लड़ाई कहते हैं, मुर्गा लड़ाई कहते हैं। आप नहीं देखते हो? नहीं नहीं, झारखंड में होता है, अभी झारखंड के साथी लोग होंगे, मुर्गा लड़ाई होता है, दो मुर्गा को और एक किन्हीं साहित्यकार का है भी कि ये में वाराणसी में ऐसा है कि वो दो बिना मतलब के लड़ते हैं और दर्शक खुश होते हैं, वही चीज़ है, मुर्गा लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं। तो ये महिलाओं की आवाज़ है, महिलाओं से आप सुन पा रहे होंगे किस तरीके से जो है अब जागरूकता आ गई है और महिलाएं अपने हक अधिकार के लिए बाहर आ चुकी हैं, वो अपने हक अधिकार लेकर रहेंगी चाहे जितनी भी लड़ाई करनी पड़े। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तोहित के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।